अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाइनेंस पे आप कोई ना कोई क्वाइन तो ले लेते हैं, बाय कर लेते हैं, मगर इस चीज़ में सबको परेशानी हो रही होती है कि अब इसमें प्रॉफिट कैसे चेक करें, कितना प्रॉफिट हमें हुआ है उस क्वाइन पे जो हमने क्वाइन लिया था, या अगर लॉस भी हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो क्वाइन बाय करके भूल जाते हैं कि उन्होंने जो क्वाइन लिया था वो कितने का लिया था और उस टाइम उस क्वाइन की प्राइस क्या थी। तो मुझे इस इशू पे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा आज क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों का मसला हल किया जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता चलूँ, बाइनेंस से यहाँ पे कोई भी एक डायरेक्ट वे या कोई ऐसा फ्यूचर नहीं दिया हुआ जिससे आपको ये पता लगे कि जो क्वाइन आपने लिया है, कोई स्पेसिफिक क्वाइन जो आपने लिया है उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हाँ, बाइनेंस ने यहाँ पे PNL का ऑप्शन दिया है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का एक ऑप्शन दिया है जहाँ पे आप ओवरऑल अपना प्रॉफिट दे सकते हैं, ओवरऑल अपना लॉस दे सकते हैं, मगर स्पेसिफिक क्वाइन का आप इजीली मालूम नहीं कर सकते। और स्पेशली आप बिगिनर हैं, अभी बिल्कुल न्यू आए हैं ट्रेडिंग में, बाइनेंस पे, क्रिप्टो की दुनिया में, तो आपके लिए मुश्किल होगा। मगर जो वे मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, उसके थ्रू आप इजीली अपना प्रॉफिट भी दे सकते हैं और लॉस भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो आप पूरी देखें, 5 मिनट की वीडियो है, वीडियो की एंड तक आप ये जरूर समझ जाएंगे कि अपना प्रॉफिट आप कैसे देखें और लॉस कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने पास बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन कर ली है और मैं उस क्वाइन पर जाऊंगा जो मैंने अभी बाय किया था, आज सुबह भी मैंने बाय किया है। तो जो मैंने सुबह में क्वाइन बाय किया था वो था SNX, ठीक है। यहाँ से काफी सारे क्वाइन है, आप देख सकते हैं जो भी क्वाइन आपने लिया हुआ है वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं या वॉलेट में जाके भी उस क्वाइन पे जा सकते हैं, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे जाता हूँ SNX पे, ये क्वाइन मैंने सुबह में बाय किया था $50 का। मैं जहाँ पे जाता हूँ बाय पे, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं सेल, ठीक है। सेल पे आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट आपको पता लगेगा कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ है। तो यहाँ पे आप मार्केट सिलेक्ट करें और यहाँ पे टोटल और यहाँ पे 100% कर लें, ठीक है। 100% करेंगे तो ये कितना शो हो रहा है यहाँ पे, 49.83। तो यही क्वाइन मैंने सुबह में बाय किया था $50 का और अभी उसकी जो वैल्यू आ रही है 49.83, मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लॉस में जा रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आपको ये भी याद नहीं है कि आपने कितने डॉलर का ये बाय किया था और ये देखना चाह रहे हैं कि इसकी प्राइस क्या थी, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल ईजी वे है। यहाँ से आप आ जाए, इस बटन को यहाँ पे प्रेस करें, ये जो बना हुआ छोटा सा, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाए ऑर्डर हिस्ट्री में, ये ट्रेड हिस्ट्री में भी आपको मिल जाएगा, ऑर्डर हिस्ट्री में आपको डिटेल थोड़ी और ज़्यादा मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसको क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखिए यही क्वाइन है, मैंने आज के दिन बाय किया था 28 तारीख को 12 बजे, और उसकी सारी डिटेल आ रही है। अब इसकी प्राइस क्या थी जब मैंने बाय किया था, 2.107 इसकी प्राइस थी। फीस कितनी लगी, यहाँ पे फीस भी लिखी हुई है, टोटल कितने थे, मैंने $50 दिए थे, उसमें से 49.93 के मुझे ये SNX मिले हैं, बाकी थोड़ी सी फीस लग गई इसकी। और क्रिएट टाइम, अपडेट टाइम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है, और मुझे कितने ये कॉइन मिले हैं वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, 23.7, ठीक है। यहाँ से तो आपको पता लग गया कि मैंने 49.935 का लिया था और उस टाइम इसकी प्राइस 2.107। तो यहाँ पे देखिए आपको टोटल पता लग गया, तो मैंने ये लिया था 49.93। अब अगर ये $50 हो गया, $51 हो गया, $55 हो गया, $60 हो गया, तो मतलब मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, मगर अब इसके डाउन जा रहा है 48 पे, 47 पे, तो मतलब मैं लॉस पे जा रहा हूँ। तो सिंपली वही आपको तरीका करना है, SNX कॉइन पे आ गए, यहाँ पे टोटल आपने कर लिया, तो यहाँ पे देखें अभी 49.79 जा रहा है, यानी कि पॉइंट समथिंग में मैं अभी लॉस में जा रहा हूँ, प्रॉफिट में नहीं जा रहा हूँ। एक तो आप यहाँ से भी ये चीज़ देख सकते हैं और दूसरा आप कन्वर्ट के ऑप्शन से भी देख सकते हैं। ये देखो ऊपर कन्वर्ट का ऑप्शन बना हुआ है, कन्वर्ट पे क्लिक करें, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ SNX, ठीक है। SNX हम सर्च करते हैं, जो कॉइन मेरे पास है SNX, ठीक है। ट्रू किस में करना है, मैंने USDT में करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कितने हैं मुझे सेल करने हैं, अब यहाँ पे मैं जस्ट चेक करने के लिए यहाँ पे मैक्स क्लिक करूंगा, प्रीव्यू में हम कर जाएंगे और प्रीव्यू में देखें कितना आ रहा है, 49.625। जब मैं इसको सेल करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, तो यहाँ पे ये टोटल बता रहा है कि जब मैं ये सेल करूंगा तो 49.625 मुझे मिलेंगे, और 49.9 का मैंने ये लिया था, मतलब मैं यहाँ पे मैं लॉस में जा रहा हूँ। तो इन दोनों वे से आप यहाँ से अपना प्रॉफिट भी दे सकते हैं और लॉस भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप क्वाइन मार्केट कैप की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके अपना प्रॉफिट और लॉस बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं, उसमें जस्ट एक बार आपको वैल्यूज पुट करनी होगी, उसके बाद आप जब भी एप्लीकेशन खोलेंगे आपके सामने प्रॉफिट भी आ रहा होगा, कितने परसेंट आपका प्रॉफिट अप जा रहा है, कितने परसेंट डाउन जा रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस कितना हुआ है, वो सारी चीज़ें उसमें आ रही होगी। तो अगर आप कॉइन मार्केट कैप की एप्लीकेशन के थ्रू ये मालूम करना चाहते हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें, उसमें आपको पूरा पता लग जाएगा कि कॉइन मार्केट कैप को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के लिए। और बाइनेंस पे अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो पे सारा का सारा आपको बता दिया है। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।